हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई आज भी आपको पाना चाहता है तो क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में, आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। अगर रीडिंग आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ कप्स। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई आपको आज भी पाना चाहता है, तो ये जो पर्सन है वो आपके साथ ये प्यार का कनेक्शन आज भी दिल से महसूस कर रहे हैं। जैसे ये दोनों कप एक दूसरे के साथ दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेसेस है, वैसे ही आपके पर्सन अगर आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आई हैं तो उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि ये आज भी आपको अपना लवर या फिर वो पर्सन समझते हैं जिससे इन्होंने सच्चा प्यार किया। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं समय से थोड़ा ये इंसान नाराज़ है, उनको ऐसा लगता है कि किस्मत ने उनको वो सब नहीं मिलने दिया जो असलियत में ये चाहते थे। मतलब हो सकता है पैसे वगैरह भी अच्छे कमा लेते हैं या फिर फैमिली अच्छी है, घर वगैरह भी बना लिया है, लेकिन जो चाहिए था ज़िंदगी में मेन यानी कि प्यार, वो अभी तक वक्त ने उनको मिलने नहीं दिया है, जिस वजह से वक्त से कहीं ना कहीं ये पर्सन नाराज़ है और उसी वक्त से शिकायत करते रहते हैं कि अगर मेरा पर्सन मुझे मिल जाए तो उससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में सही वक्त और कोई नहीं होगा। मतलब वक्त को लेके भी उनको यही लगता है कि आप अगर उनको मिल जाए तो तब से लेके उनकी ज़िंदगी में आखिर तक उनका सही वक्त शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे हैं वक्त को लेके। फिर है द हीरोफंट। यहाँ पे तो शायद किसी बुजुर्ग इंसान की एनर्जी थोड़ी सी इनको डिस्टर्ब कर रही है, या तो फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जिनकी वजह से शायद इस रिश्ते में कुछ दिक्कतें आ गई, या फिर उस वक्त की कुछ ऐसी एनर्जी थी जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबे थे और मे बी उस सोच की वजह से शायद ये आपको अपने प्यार का कप उस वक्त ऑफर नहीं कर पाए, लेकिन दिल में तो ये पर्सन आपको 2 ऑफ कप की एनर्जी में ऑलरेडी अपना मान ही चुके थे। फिर है द फूल। ये जो पर्सन है वो अपनी धुन में रहना पसंद करता है, यानी कि अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना इनको पसंद है, माय वे और हाई वे। तो कई बार कुछ ऐसे फैसले भी इन्होंने लिए हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी भुगतना पड़ा है, क्योंकि ये अपनी उनकी मर्जी थी। जैसे फूल का कार्ड होता है आगे रास्ता नहीं है, लेकिन वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने ख्यालों में खोया रहता है और चलता रहता है। छोटा सा डॉग होता है वो भी उसको रोकता रहता है लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वैसे ही अगर इस पर्सन ने पास्ट में कभी अगर आपकी बातों को इग्नोर किया था या फिर आपको नज़रअंदाज करके कुछ ऐसा कदम उठाया था जो उनके लिए शायद सही नहीं था लेकिन उनके मर्जी के मुताबिक था, तो उस बात को लेके आज भी ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस फील करते हैं कि काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है, जो बताते हैं कि शायद काफ़ी वक्त से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या फिर सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप वगैरह भी हुआ हो सकता है क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आए, तो बातचीत बंद है। लेकिन ये पर्सन जब भी प्यार के बारे में सोचते हैं तो आप ही का नाम उनके दिलो दिमाग पे छा जाता है। फिर है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। ये हैवी बर्डन का कार्ड होता है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि राइट नाउ उनकी ज़िंदगी में उनके दिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो बर्डन फील कर रहे हैं और उसी बर्डन को लेके जब ये सोचते हैं कि सब कुछ है मेरे पास लेकिन मैं इतना ज़्यादा बर्डन क्यों फील कर रहा हूँ, तो उनको एहसास होता है कि ये प्यार को लेके कुछ जज्बात है जो शायद उन्होंने
एक्सप्रेस नहीं किए हैं और वही एनर्जी उनको हैवीली फील होती है। फिर है फोर ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो जैसे अब देख सकते हैं चार पेंटेकल पड़े हुए हैं, हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ एक स्टार जैसा बना हुआ है। तो हो सकता है पास्ट में इन्होंने या तो अपनी फैमिली वालों को इम्पोर्टेंस दी है या फिर थोड़ा सा पैसों को लेके, क्योंकि इनको लगा था कि सिक्योर कर लेना खुद को सही रहेगा, प्यार तो बाद में भी देखेंगे। लेकिन आज जब इनके पास वो सब कुछ है तो ये टू ऑफ कप की एनर्जी मिस करते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये जीत का कप इसके हाथ में है और ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि मैंने ये जीत हासिल की, वैसे ही ये जो पर्सन है वो राइट ना शायद आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आना चाहते या फिर आपको एक्सप्रेस करना चाहते अपने जज्बात, ताकि आप उनका कप ऑफर करें और अपनी तरफ से भी ऐसी टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ जाए। जैसा कि मैंने अभी कहा, ऑफर, ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हाथ में एक रिंग है और ये इसको बोल रहा है, विल यू मैरी मी। तो अगर पास में इस पर्सन ने आपको ये सब नहीं कहा है तो राइट नाउ इनका यही मन कर रहा है आपसे कहने का। फिर है हीलिंग, तो कहीं ना कहीं जब भी आपके ख्यालों में ये पर्सन खो जाता है तो उनकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और मे बी ये हीलिंग हो चुकी है या हो रही है, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। फिर है अबुंडेंस इन मनी, तो पैसा तो इनको मिल गया है, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी शायद इनके पास आ गई है, लेकिन जो अबुंडेंस ये चाहते हैं वो अभी तक नहीं मिल रहा है। फिर है क्राइंग फूल, के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, तो आपकी यादें जो हैं वो इस पर्सन को इस तरह से तड़पाती रहती हैं कि अपनी गलतियों के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं अपनी नादानियों के ऊपर इन्हें गुस्सा आता है और ये कई बार शायद रो भी पड़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं। फिर है डिफरेंसेस, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आए उसके पीछे जो वजह थी वो या तो फैमिली थी या फिर पैसा वगैरह था, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि ये डिफरेंसेस आने की वजह से ये आपसे टू ऑफ कप की एनर्जी में नहीं जुड़ पाया। फिर है टीचिंग, लर्निंग, तो राइट ना इनमें जो भी खामियां हैं ये शायद उनके ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को बेस्ट ये साबित करना चाहते, ताकि अब जब ये आपसे जुड़े या फिर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी तरफ से कुछ भी गलतियां ना हो। ये कम्युनिकेशन स्किल भी हो सकता है या फिर एंगर मैनेजमेंट भी हो सकता है, अगर इस पर्सन को कुछ ऐसे इश्यूज है तो। फिर है होपलेस, जब ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि सब कुछ तो है मेरे पास, मतलब फैमिली है, पैसा है, घर वगैरह भी है, गाड़ी वगैरह भी हो सकती है, लेकिन जब ये सोचते हैं व्हाट अबाउट माय लव लाइफ, तो ये होपलेस फील करते हैं। उनको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती और अपनी गलतियां दिखाई देती है, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि प्यार का एक ऐसा खजाना मुझे मिल गया था या मिल रहा था जो मैंने नज़रअंदाज किया, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नाउम्मीद हो जाते हैं। और फाइनल कार्ड है गुड मेमोरीज, तो आपके साथ बिताए हुए लम्हे इन्हें ट्रिगर करते हैं, वो वक्त उन्हें काफ़ी ज़्यादा सताता रहता है और वही यादें इनको जब याद आती हैं तो इनका मन आपसे टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने का करता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।